हेलो एवरीवन। तो फाइनली यूपी टेट 2021 की परीक्षाएं पूरी तरीके से करा दी गई हैं। जैसा कि हमें पता है 28 नवंबर को ये परीक्षा होने वाली थी और ड्यू टू सम रीज़न, या ऐसा कह सकते हैं सरकार की लापरवाही की वजह से ये पेपर लीक हो जाता है। बड़ी अच्छी बात यह है कि बहुत ही जल्दी इसकी डेट निकाली गई और ये कंप्लीट करा दिया गया। सरकारी डेटा की माने तो करीब 10 लाख बच्चों ने यूपी टेट के फॉर्म भरे थे, बट एक बार पेपर लीक होने के बाद, ये जो परसों पेपर हुआ है यानी 23 तारीख को, व्हाट्सएप पे किसी ने वायरल कर दिया था पेपर। हालांकि ये पेपर नहीं था, वो फेक था, बट बहुत से बच्चे ये सोच के कि ये वायरल हो गया पेपर यानी फिर से लीक हो गया, तो कम से कम 16% बच्चों ने पेपर ही नहीं दिए। यानी 10 लाख का अगर 16% निकालें तो बनता है 1,60,000, यानी इन बच्चों ने पेपर ही स्किप कर दिया। तो कंपटीशन में 1,60,000 बच्चे तो वैसे ही पीछे हो गए, और कुछ बच्चों का कंसर्न तो ये था अब कि उन्होंने हल्के में लेके पेपर को देर से देर सेंटर पहुँचे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स देर में सेंटर पे पहुँचने की वजह से पेपर ही नहीं दे पाए। तो ये बच्चे डायरेक्टली कंपटीशन से बाहर हो गए। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या था, यानी पेपर के क्या क्या सॉल्यूशंस थे, क्या आंसर थे। मैं इसी वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन यानी पूरे 150 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन, यानी कुछ का मतलब है बस 2 से 3, इतना तो कन्फर्म है, वो आंसर की जो यूपी बोर्ड विभाग ये पेपर बनाता है वो अपने हिसाब से देगा, क्योंकि जो कुछ डेटास होते हैं वो अपने हिसाब से वो कंसीडर करता है। तो इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन मान के ले सकते हैं कि आगे पीछे हो सकते हैं। बाकी जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताऊँगा बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से सही होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं पेपर से पहले, जिन्हें टाइम हो तो पढ़ना ज़रूरी होता है, टाइम हो तो बिल्कुल पढ़िएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है निगेटिव मार्किंग नहीं, वो तो पहले बताया था। ये 5 यूनिट्स में पेपर होना था, भाग 1 था बाल विकास रिलेटेड, और 2 पेपर लैंग्वेज के, 1 हिंदी, दूसरा इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में कोई भी, और 4था है गणित, और 3रा है पर्यावरणीय अध्ययन। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, एक मिनट इसे साइड में करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट, देखो ऐसे ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कोई भी फैकल्टीज़ या यूनिवर्सिटीज़ वो अपनी कुछ गाइडलाइंस बनाती है ना, मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसका सिलेबस क्या होना है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स डिसाइड करने हैं। तो ये सब जो काम होता है फैकल्टी या यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। इसी तरीके से ब्लूप्रिंट जो इस वो होता है वो इंजीनियरिंग लाइन में भी कंसिडर किया जाता है, बट हमारे जो हमारा टॉपिक है वो चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी एजुकेशन से रिलेटेड इस ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है। तो जो फैकल्टीज़ और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल अपनी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं कोई भी काम की वैलिडेशन को चेक करने के लिए करती हैं। किसको चेक करने के लिए? वैलिडेशन मतलब वैधता। तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा परीक्षण वैधता, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था, ये तो सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर था पियाजे ने एक थ्योरी दी थी 1951 टू 1952 में। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसके ऊपर कुछ टिप्पणी की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन,
MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? MPPI, देखो यहाँ पे एक MMPI होता है, वो अलग चीज़ होती है, यहाँ पे बात कर रहा है MPPI की। तो MPPI वैसे तो इसका जो आंसर होगा वो एक होगा सृजनात्मक व्यवस्था को बढ़ाना हो और किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, तो इसके तो आंसर दो हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि आंसर की जो भी विभाग जारी करेगा उसमें आंसर कौन सा होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जो पेपर लीक हुआ था वो पेपर बच्चों की माने तो आसान था, है ना, उसके कंपैरिजन में देखा जाए, ज़्यादातर बच्चों को मानना है कि उसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन पेपर जो है टफ आया हुआ था। बट अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको फैक्चुअल मिलेंगे और बहुत से क्वेश्चन सुपर टेट और यूपी टेट के जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन हो चुके हैं बस उससे सीधा कॉपी पेस्ट किया गया है। यानी अगर इसको रेटिंग देना हो 10 में से 4, यानी 4 out of 10 अगर इसकी रेटिंग देखी जाए डिफ़िकल्टी की, तो 4 out of 10 ही होगा, है ना, मेरे हिसाब से। मतलब अगर किसी बच्चे ने अच्छे से इसकी तैयारी की होगी। तो क्वेश्चन है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग। तो अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एजुकेशनल पर्पज से मानी जा सकती है। तो इसका आंसर होगा अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन। एजुकेशन के हिसाब से अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर उस चीज़ का मोटिवेशन होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। अच्छा, ये अपने मन से नहीं होगा आंसर, ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि शिक्षाविद देते रहते हैं, उस थ्योरी के हिसाब से अभिप्रेरणा ही अधिगम हेतु सबसे महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, शैशवकाल का समय क्या होता है? तो शैशवकाल हमें पता ही है, बर्थ से लेके 2 साल के बच्चे तक का जो भी उसका टाइम पीरियड होता है वो शैशवकाल होता है। शैशवकाल यानी इन्फेंसीहुड। अच्छा, यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। इन्फेंसीहुड जो होता है बर्थ से 2 साल के लिए होता है, और उसके बाद आता है प्री चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड जो होता है वो 2 साल से 6 साल के बीच का होता है, और उसके बाद आता है पोस्ट चाइल्डहुड। पोस्ट चाइल्डहुड जो होता है वो 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो पूछी जा सकती थी। नेक्स्ट है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी डायरेक्ट देखा जाए डेफिनेशन ही उठा के रख दी गई है, परिभाषा है ये। और ये परिभाषा होती है प्रत्यक्षीकरण की, यानी परसेप्शन। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना ही परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो आंसर इसका नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इज, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी हु हैज प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग। तो ये थॉर्नडाइक ने डिफिनेशन दी थी इसकी, यानी ये परिभाषा दी थी थॉर्नडाइक ने। इन्होंने एक चाइल्ड डेवलपमेंट पे एक थ्योरी दी थी, इस थ्योरी का नाम था ये ट्रायल एंड एरर। ये थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर, इस थ्योरी में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, यानी सीखने में प्रयास जो होता है और जो भूल का सिद्धांत होता है। वो कैसे क्या होना चाहिए, इसके क्या प्रकार थे, कैसे लागू करना चाहिए, कैसे इसको बच्चों से जोड़ सकते हैं, इन सारी चीज़ों की थ्योरी इन्होंने अपनी इस रचना में दी थी। तो इसमें सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है। बुद्धि लब्धि जिसको हम लोग कहते हैं IQ,
ना आईक्यू लेवल। तो ये अगर एवरेज बच्चा होता है, एवरेज बच्चे की आईक्यू जो होती है वो 109 होती है, ये एवरेज बच्चा होता है। और अगर इसी के नीचे की बात करें यानी 80 से 89, ये जो बच्चा होता है एवरेज से थोड़ा नीचे होता है यानी लो एवरेज होता है। उसके बाद 70 to 79, इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब है कि एवरेज और लोवेस्ट कैटेगरी, लोवेस्ट कैटेगरी मतलब 69 to, और अगर इसके नीचे लोवेस्ट कैटेगरी और लोअर एवरेज के बीच की लाइन जो होती है बॉर्डर लाइन होती है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया था औसत बुद्धि वाला बच्चा, तो औसत बुद्धि हो जाएगा 90 to 109, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, यानी हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रपोज्ड फ्लूइड मोसाइक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो मोसाइक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया था रेमंड बी कैटल ने, यानी सीधा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन का आप लेवल दे सकते हैं, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है यानी फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है। और अगर ध्यान देंगे आप, अगर आपने कानपुर के CSGM से किसी भी BA यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का पेपर सॉल्व किया है एजुकेशन का, तो आपको ये सब थ्योरी और डेफिनेशन बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। यानी देख सकते हैं हम थ्योरी और डेफिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पे बस कॉपी पेस्ट की गई है, यानी लेवल उतना टफ नहीं है। अगर किसी ने थ्योरी और ये सारी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी हो तो अच्छे से उसने हैंडल किया होगा पेपर, बाकी नहीं पढ़ने वाले का तो फिर बात ही अलग है। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन, डायरेक्टली क्वेश्चन बाई फैक्चुअल, ये यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो थी वो दी थी स्किनर ने, ये फेमस शिक्षाविद हैं, बहुत सारी इन्होंने थ्योरी दी थी और बाल विकास के फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो आंसर इसका हो जाएगा क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो किया था स्किनर ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, अधिगम का मतलब लर्निंग, सीख, वो क्या सिद्ध करना चाहते थे। वो सिद्ध करना चाहते थे कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, कि जो लर्निंग होती है वो समग्र यानी सारी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण होती है। प्रत्यक्षीकरण मतलब परसेप्शंस, जितनी भी सिचुएशंस हैं आपकी। तो ये दिया था कोहलर ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है किसने पाठ योजना की पंचवर्ष प्रणाली प्रतिपादित किया, इसका आंसर हो जाएगा जे फ्रेडरिच हर्बर्ट, यानी हर्बर्ट यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन की देखते रहे हम लोग, फैक्चुअल डेफिनेशन और कुछ थ्योरीज उठाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिखा है निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए, चर्चा किस, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। ये दिया था कैनन ने, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यानी क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, द स्टेटमेंट इज ऑफ, बहुत ही फेमस शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, क्रो एंड क्रो। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, 14 का 1। नेक्स्ट है बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है,
ये होगा अनुकरण यानी इमिटेशन और प्रबंधन और प्रबलन के फलस्वरूप, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो ये हो जाएगा मैकडोनल्ड डैग्योल यानी मैकडूगल। हाँ, प्रोनंसिएशन उसका हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है 16 में आंसर नंबर 13 सही होगा। 17, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये दिया था डमविल ने। सीधा क्वेश्चन, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? आंसर इज सर फ्रांसिस गैल्टन। तो आंसर नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अच्छा, डॉक्टर एस जलोटा इंडिया के काफ़ी फेमस एजुकेशनिस्ट रहे हैं, है ना। इन्होंने इंडिया के एजुकेशनल फील्ड में अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको जीमैट कहते हैं, मतलब इन्होंने एक तरीका बताया था जिसको हम लोग जीमैट कहते हैं। जीमैट इज़ द सेंस जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, है ना, कि 12 से 16 साल के बच्चों को कैसे क्या डील करना चाहिए। तो इन्होंने जीमैट दिया था। जीमैट को हिंदी में कहेंगे साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ये इंग्लिश में लिखा हुआ इधर जीमैट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो आंसर नंबर उसका हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है, बुद्धि के द्व्यूकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्व्यूकारक मतलब TFT, ये TFT थ्योरी, TF नाम से भी बहुत फेमस है, यानी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। तो इसका नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोलर की थ्योरी बहुत ही फेमस थी, लर्निंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। इन्होंने इस पे बहुत बहुत ही अच्छा टैलेंट दिखाया इन्होंने। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, मैकडूनल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती? क्वेश्चन देख सकते हैं आप कितना, मतलब बकवास क्वेश्चन है, बकवास नहीं कह सकते हैं, मतलब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? आंसर क्या था? मैकडूगल। और वही पूछ रहा है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, तो ऑफकोर्स लिखा हुआ साफ साफ 14 प्रकार, तो मतलब क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, ठीक है, एक नंबर तो मिल ही गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ये होगा समस्या समाधान। आंसर इसका होगा समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट, अगला है, निम्न में से किसके किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? विषयी मतलब वो होता है जिसके ऊपर हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, साइंस में इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, किसने एक्सपेरिमेंट किया था? तो ये किया था मिस्टर पावलोव ने। मिस्टर पावलोव आंसर इनका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मौलिकता नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं?
निम्न में से किसके घटक हैं? तो ये हो जाएगा क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। यही क्वेश्चन अगर देखा जाए ये सुपर टेट में पूछा जा चुका है, या आई थिंक 2018 के सेट में मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है लास्ट ईयर, जिसने क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे सुपर टेट के तो उन्हें पता होगा ये। अगला कह रहा है युयुत्सा है। देखो युयुत्सा जो होता है वो कॉम्बैट, जिसको हम लोग फाइटिंग बोलते हैं, फाइटिंग बस। बट हमें ये सोचना है इसका एजुकेशनल फील्ड में क्या काम है, मतलब डिफिनेशन कैसे बताई जा सकती है। क्योंकि कॉम्बैट तो ऐसे, इसकी डिफिनेशन ये कि ये वो स्किल होती है जो किसी भी कैरेक्टर के इंस्टिंक्ट यानी इसकी जो प्रवृत्ति होती है उसको नियंत्रण करने की चीज़ होती है। किसको? प्रवृत्ति को। तो ऑफकोर्स इसका आंसर ये लिखा हुआ है मूल प्रवृत्ति, यानी कॉम्बैट जो होती है, कॉम्बैट जो होगा इसमें आंसर हो जाएगा इंस्टिंक्ट यानी मूल प्रवृत्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज लिखा हुआ है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। बालकों के सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट, उसको कौन से फैक्टर जो होते हैं अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं? तो इसका आंसर होगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। परिवेशजन्य का मतलब जो हमारे इर्द गिर्द माहौल रहता है तो उसे फैक्टर प्रभावित करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 एज वेल एज 30, ये तीनों यूपी टेट जो 2017 में परीक्षाएं हुई थी उसमें पूछे जा चुके हैं। तो मतलब चार क्वेश्चन सीधे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कॉपी पेस्ट किए गए, तो आप लेवल समझ सकते हैं क्वेश्चन का इतना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन इतना टफ, जो क्वेश्चन पेपर था ये टफ नहीं था, क्योंकि अगर किसी ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, लास्ट ईयर की भी प्रैक्टिस की होगी, तो अच्छे से क्वेश्चन उसको मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का। अच्छा इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 3। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? कि ये था रैपिड ग्रोथ यानी द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन नंबर 2 लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी थ्योरी है जो विकास से रिलेट नहीं करती है? तो आंसर होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स। तो इस यूनिट का आखिरी क्वेश्चन जो कि 2017 के यूपी टेट में पूछा जा चुका है वो है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? सीधे कथन यानी सीधे हम लोगों को स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका नाम था, मतलब ये जिन्होंने दिया था वो थे हर्लॉक, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो ये होगी पूरी यूनिट वन जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेट करती है। तो उम्मीद है आपके 30 क्वेश्चन में कम से कम तो 28 सही होंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। बाकी आप चेक कर लीजिएगा जितने अच्छे हैं, मतलब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने आपके इसमें सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी अगले यूनिट की तरफ। अगली यूनिट होने वाली है लैंग्वेज यानी हिंदी, जो कि कंपल्सरी थी। हिंदी का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति, अच्छा जो अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति जो होती है यानी जिसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेस करना, वो दो टाइप का होता है, या तो वो लिखित होगा या तो वो मौखिक होगा। यानी कभी भी हम किसी भी दूसरे इंसान को लिख कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं यानी अभिव्यक्त करते हैं तो लिखित होती है, और अगर लिख कर करेंगे तो उसको कहेंगे मौखिक अभिव्यक्ति। और ये पूछ रहा है नीचे जो चारों टाइप दिए गए हैं इसमें मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? तो साफ साफ इसमें लेख लिखा है
होगा नहीं, क्योंकि लिखना बोलने में फ़र्क होता है। अभी बताइए दूसरा टाइप है, ये भी लेख ख़त्म, शुद्ध वर्तनी। अब जो शुद्ध वर्तनी होती है जिसको हम लोग मेनली ग्रामर से रिलेट करते हैं, ये भी लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बचा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 बचा, या सीधा सीधा आशुभाषण को हम कहते हैं। आशुभाषण की डिफिनेशन ही होती है कि मतलब ध्वनि या संकेतों, ध्वनि या संकेतों से जब एक व्यक्ति अपनी फीलिंग्स यानी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है यानी झलकाता है या दिखाता है तो उसे ही आशुभाषण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सही था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियां हैं। देखो इसका कोई भी ऑथेंटिक आंसर तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखो कहीं कहीं हिंदी की जो उपभाषाएं होती हैं वो 16 भी हैं, कहीं कहीं 18 भी हैं, और अगर इन्हीं उपभाषाओं के मर्ज कर दिया जाए तो उपभाषा प्लस कुछ क्षेत्रीय भाषा भी कंसीडर की जाती है हिंदी की, और जो उपभाषा मर्ज करने के बाद 5 आती हैं और क्षेत्रीय भाषा लगभग 17 होती हैं। तो ऐसे 17 + 22 यानी देखा जाए इसका आंसर एक 16 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है और 22 भी हो सकता है। तो इसमें देखा जाए ऑप्शन जो हैं 2 दिए हुए हैं जो कि मेरे आंसर से डायरेक्ट लिंक है, यानी इसमें 18 भी हो सकता है और 22 भी हो सकता है। बस हमें वेट करना है आंसर की का, देखना ये कि बोर्ड इसका आंसर कौन सा बताता है, क्योंकि जो आंसर की वो निकालेगा हम लोग को उसी के हिसाब से नंबर अपने डिसाइड करने पड़ेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ। वैसे इसका आंसर तो अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि 22 बोलियां ही हिंदी में कंसीडर की जानी चाहिए, तो इसका आंसर नंबर हो सकता है बोर्ड 22 ही करे, यानी ऑप्शन नंबर ए। खैर पेनिक नहीं होना है क्योंकि वो बोर्ड के ऊपर है, 22 या 18 कुछ भी हो सकता है, और अगर हो भी गया तो वैसे भी कौन सी निगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और इतना सिंपल क्वेश्चन है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। देखो कभी भी ये बड़ा आ बड़ी ई इकट्ठा नहीं टूटते हैं, यानी सामा लिख दिया, ये जिक लिख दिया, संधि विच्छेद ऐसे होती ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, बचा ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो सामाजिक में देखा जाए सा में बड़े आ की मात्रा है, यहाँ बड़े आ की मात्रा तो है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही बचा जो कि ऑफकोर्स सही है। सिंपल संधि विच्छेद थी। लिखा है तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है। आंसर हो जाएगा इसका अखिलेश, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 12 बरस लौ कूकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार। ये देखा जाए एक टाइप की म्यूजिकल कैटेगरी है ना, जैसे होती कवाली होती है, आला होती है, ये एक आला है, ये आला का एक कथन है। अब पूछ रहा है ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था जगनिक ने। बहुत सी बुक में जगनिक लिखा रहता है, बहुत सी बुक में जागनिक लिखा रहता है, तो कोई भी होगा वही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आता है अब अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या है। अकाल को देखो, अकाल को दुष्काल भी कहते हैं, दुर्भिक्ष भी कहते हैं, कुकाल भी कहते हैं, अभाव भी कहते हैं और किल्लत भी कह सकते हैं। तो अपना कौन सा बचा, दुर्भिक्ष, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में कम से कम एक सरल वाक्य होता है प्लस और कोई भी दूसरा उपवाक्य हो सकता है, कोई सा उपवाक्य हो सकता है। सरल वाक्य उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। मिश्र को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी ऐसे वाक्य जो अपने आप पर खुद डिपेंड होते हैं वो होते हैं सरल वाक्य, और ऐसे वाक्य जिन्हें लगता है कि इन्हें अभी बोलना बाकी है या ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं उन्हें कहते हैं उपवाक्य। तो कभी भी जब उपवाक्य आता है तो इसमें अपने आप जो जिसका जिसकी जिसके की ये अपने आप ही आते हैं, क्योंकि जब भी सेंटेंस हम जोड़ते हैं दो सेंटेंस को तो ये वर्ड और तो ये वर्ड जो होते हैं यानी शब्द होते हैं अपने आप आते हैं, जो दो
वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो पहला है, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र, ये तो पहले ही गलत है क्योंकि ये तो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, ये हो ही नहीं सकता। देखिए दो आया है, एक सेंटेंस को जोड़ रहा है की और एक जोड़ रहा है और जो होता है वो दोनों वाक्यों को सरल वाक्य बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं होगा। यानी इस पे एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड है नहीं। अगर हम और को हटा दें, छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक उन्हें देखते हैं, दोनों क्लियर हो रहा है। तो अभी बताया हमने उपवाक्य में जैसा कि जो आता है, जिसका आता है, की आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ लिखा है कि अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, यानी एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, यानी इसमें पूरे सेंटेंस यानी पूरे वाक्य का एक शब्द क्या होगा, इसको बोलेंगे अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ना एक टॉपिक होता है, एक होता है पर्यायवाची और विलोम शब्द, उसी में आता ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये वही है, इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में, ये क्या है? अच्छा मतलब इसका भाव पूछ रहा है, सॉरी इसका वाच्य का टाइप पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा भाववाच, ये अपनी फीलिंग को दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर लिखा है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो ऑफकोर्स जब भी आधा शाह षटकोण वाला जो आता है वो विसर्ग लगती है, तो ऑप्शन नंबर विसर्ग यानी ये हो जाएगा। अच्छा इसमें अगर टाइप पूछा जाता संधि का, ये संधि थी, संधि का टाइप कौन सा हो जाता, तो ये हो जाता विसर्ग संधि। अगला है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, मॉरिशस, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका तो वैसे ही कट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, बसता है मॉरिशस और पाकिस्तान। देखो इंडिया के बाद बहुत से देश हैं जैसे भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है। बट इसका जो क्वेश्चन देने का सेंस था, हो सकता है बाई पॉपुलेशन कितनी बोली जाती है, तो ऑफकोर्स पाकिस्तान तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और उर्दू है, तो बचा मेरे पास मॉरिशस। अच्छा यहीं पे अगर फिजी दे देता तो आंसर तो फिजी होता, क्योंकि भारत के बाद फिजी ऐसा देश है जहाँ पर ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले लोग पाए जाते हैं, तो खैर इसमें नहीं था, तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, सूर सागर किस भाषा की रचना है, तो इतनी फेमस रचना इसका तो पता ही होगा, ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ब्रज भाषा। फिर लिखा है वीरों का कैसा हो वर्षत, वर्षत वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान, आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ये आज भी यूपी बोर्ड के क्लास 7 में पोयम पढ़ाई जाती है ना, तो ये हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, क्षेत्रीय जो विशेषण होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, चौराहा शब्द में समास है, चौराहा चार रास्तों का समूह, चौराहा कभी भी स्टेटमेंट से हम लोग को एक शब्द बनाना होता है तो वो जो समास होता है वो कहलाता है द्विगु समास। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट है, किस निम्न में से किस शब्द को, किस शब्द की वर्तनी सही है, वर्तनी किस शब्द की सही है, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है जो भी ग्रहित होता है उसमें ये सर्कल वाली यानी गोल वाली रा लगती है, गोल वाली रे लगती है, तो जितने भी ये वाले गाएँ वो तो ऑटोमेटिक करेक्ट होंगे ही नहीं, यानी ये भी गलत है, इसमें भी वैसी रा गलत है, ये भी गलत है, आंसर नंबर हो जाएगा अनुग्रहित, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ग्रहित में कभी भी ये रा नहीं लगाते हैं, लगाते हैं ये गोल वाली रा, ये वाली, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, अगेन वही, ये तो आपने बहुत से न्यूज़पेपर, लेटर, एप्लीकेशन में पढ़ा ही होगा, पैतृक संपत्ति, कभी नोटिस करना तो ये गोल वाला ही रा बनता है, तो आंसर इसका नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन लिखा हुआ है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, श जो ध्वनि होती है इसका उच्चारण स्थान क्या है,
सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, तालू से निकलती है इसको अगर बोलेंगे आप, कहाँ गया, अगर आप इसको बोलेंगे तो आपका तालू प्रभावित होगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, यानी सेकंड नंबर। लिखा अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको पता होगा जो उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द के आगे आता है, और प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय वो शब्द के पीछे आता है। तो इसमें पूछा है अत्यंत, अगर इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो अति से स्टार्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अति। नेक्स्ट है उपत्यका का अर्थ क्या होगा। उपत्यका, जैसा कि पता ही है ये वर्ड बहुत ही यूज़ किया जाता है कहानियों में, कहानियों में वर्ड ये यूज़ होता है। अगर आपने किसी भी राइटर की कोई कहानी पढ़ी होगी, इसमें यूज़ होता है। इसका मतलब होता है पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास की भूमि, यानी इसका ऑप्शन नंबर वन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन जो है वो एक पैसेज दिया हुआ है आपको, गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश को अच्छे से रीड करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर राइटिंग करनी है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उस हिसाब से रीड करेंगे। पहला लिखा हुआ है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय आता है। ऑफकोर्स अक्कड़ आएगा, अक्कड़, प्रत्यय मतलब पीछे वाला, इसमें आएगा अक्कड़। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। अच्छा महावीर स्वामी भी इसमें, अच्छा इसमें पैसेज थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहले लिखा हुआ है आदिम आर्य घुमक्कड़ थी। हाँ थोड़ा एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में दिया हुआ है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था ये लिखा हुआ है, घुमक्कड़ थे महावीर स्वामी। और तो वैसे तो हमें पता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैसे तो हमें पता ही है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में, वैशाली, वैशाली है ना, उस टाइम पे नेपाल बिहार का इलाका ये पड़ता था वैशाली। फिर लिखा है स्वच्छंद में कौन सी ग्रंथि, कौन सी संधि है। स्वच्छंद में ये व्यंजन संधि हो जाएगी, आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। फिर लिखा महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व यानी अपना ज्ञान प्राप्त अर्जित कर लिया था तो उनकी एज क्या थी। तो वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन 35 ईयर्स ओल्ड, वो 35 साल के थे जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर लिखा है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है। ये पैसेज में लिखा हुआ लास्ट में कहाँ गया, लिखा है श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। श्रुति धर्म के लिए इस धर्म का उत्थान हो सका, यानी श्रुति धर्म ही वैदिक धर्म है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। अगला है अंगा का उच्चारण स्थान होता है, तो अंगा निकलता ही नाक से है, नासिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चार गज मलमल में कौन सा विश्लेषण है, चार गज मलमल में, चार गज मलमल जो होगा वो है परिणाम बोधक, परिणाम बोधक विशेषण। चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है, परिणाम बोधक विशेषण। फिर लिखते हैं समास का विलोम क्या है, समास का विलोम क्या होगा। समास का विलोम जैसा जानते हैं हम लोग की व्यास ही होता है, समास का विलोम शब्द होता है व्यास। फिर लिखा शून्य का तत्सम रूप क्या है, शून्य का तत्सम रूप हो जाएगा शून्य। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, आँख की किरकिरी का मतलब होता है ना आँखों में गड़ना, मतलब पसंद ना होना, तो पसंद ना होना यानी अप्रिय लगना, तो आंसर नंबर फोर हो जाएगा। तो अच्छा ये हो गए हिंदी के भी कुल हमने 30 क्वेश्चन देखे, यानी यूनिट नंबर वन के 30, यूनिट नंबर टू यानी लैंग्वेज के भी 30 हो गए। अच्छा जो यूनिट नंबर थ्री है इसमें आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसमें तीन लैंग्वेज है, इंग्लिश संस्कृत एज वेल एज उर्दू, इसलिए जैसी कमेंट आएगी मैं उस हिसाब से, अगर आपको इंग्लिश पे चाहिए वीडियो तो कमेंट कीजिएगा संस्कृत पे या उर्दू पे। जैसे काफ़ी तर बच्चों ने 70% बच्चों ने तो इंग्लिश को ही लिया होगा ना, और संस्कृत उर्दू तो कुछ मतलब स्पेशल जो लोग होते हैं वही लेते हैं, जिनकी पकड़ अच्छी होती कहने का मतलब है। तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इंग्लिश संस्कृत या उर्दू पे वीडियो बाद में बना लूँगा, अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा डिमांड आती है तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ स्किप करते हैं। ये इंग्लिश का हो गया, ये उर्दू का है और ये संस्कृत का है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट,
जिससे बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, यानी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अगर छटनी करनी हो तो इसका परसेंटेज, क्वेश्चन का परसेंटेज बढ़ा दो। काफ़ी बच्चे इसको देख ही कि नहीं तैयार करते हैं। चलो खैर, अपने टॉपिक पे लौटते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटा दिए जाते हैं, प्रेक्षण इज द सेंस एक्सपेरिमेंट, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप प्रभावित होंगे। अच्छा देखो, आंकड़े दिए गए हैं, मान लेते हैं कुछ आंकड़े हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे कुछ आंकड़े दिए हुए, 9। कह रहा है कि दोनों छोर से प्रेक्षण हटा दिए, एक ये हमने हटा दिया, एक ये हटा दिया, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। तो पहले तो हम जान लें मापक होते कितने हैं। एक हो जाता है माध्य, जिसको आम भाषा में लोग औसत बोलते हैं। फिर आता है माध्यिका, या इसी को माध्यक भी बोलते हैं। और फिर आता है बहुलक। इसका जो फॉर्मूला होता है माध्य का, ये होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो खुद ही सोचो कि अगर हम ये लास्ट के और स्टार्टिंग के दो हटा देंगे तो इसकी कुल संख्या में डिफरेंस होगा, और जब डिफरेंस होगा तो ये अपने आप चेंज हो जाएंगे, यानी ये प्रभावित होंगे। तो माध्य वाला जितना भी है वो तो आंसर होगा नहीं। सॉरी, ये पूछ रहा है कौन से मापक प्रभावित होंगे, तो माध्य जो भी है, जिस ऑप्शन में भी माध्य है, वो तो प्रभावित होगा। यानी हमने देखा माध्य जो होगा वो प्रभावित होगा। फिर बहुलक देख लेते हैं। बहुलक होते हैं वो जिसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो ऑफकोर्स अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे 3 था और 3-3 ऐसे था, बहुलक 3 बार है, यानी 3 जो है बहुत ज़्यादा बार आ रहा है बहुलक। और ये मान लेते हैं 2 है, 2 डेटा, फिर से अच्छा बनाते हैं, ये मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये प्रेक्षण थे। और इसमें 3 जो है 3 बार आया था और 2 बार आया था, तो बहुलक एक मना लेते हैं स्टार्टिंग में 3, तो बहुलक इसमें 3 का कितना है 4। और अगर वो कह रहा है क्वेश्चन में इसे अगर हटा दें और इसे हटा दें, तो बहुलक जो पहले 3 था अब कितना हो गया 3, यानी इसमें भी अंतर हमें देखने को मिला। यानी माध्य के साथ साथ बहुलक भी बदल सकते हैं। अब बचा माध्यक। माध्यक में क्या होता है, माध्यक में जो फॉर्मूला होता है, अगर विषम है तो n बटे 2वें पद का मान होता है, और अगर विषम है सॉरी सम है तो 1/2 इन ब्रैकेट n बटे 2वें पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1वें पद का मान। यानी इसमें जो होता है फैक्टर बीच के आते हैं, इसका पहले वाले और अगले वाले से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑफ कोर्स माध्यक में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आंसर हो जाएगा मेरा माध्य और बहुलक, माध्य बहुलक, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पांच सेंटीमीटर बाजू वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन में काटा जाना है, तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही प्रकार पर फलक पर रंग होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इमेजिन करो एक घन था 5 सेंटीमीटर का था, ये था 5 सेंटीमीटर, मैंने सिर्फ एक साइड बनाई जो मेरे सामने थी, है ना, क्योंकि तो 3D शेप होता है। तो 5 सेंटीमीटर को हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है तो बोलो इसकी भुजा क्या होगी, 1 ही सेंटीमीटर होगी। तो यानी इस 5 को 1 सेंटीमीटर के हिसाब से डिवाइड करना है। तो काटते हैं 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, सेम ऐसे नीचे 1, 2, 3, ओ ये 4 है, इसको 1, 5 मान लेते हैं, ये 5 हो गया। ऐसा ये एक फेस जो है मेरा सामने वाला है, इसी के तरीके के 5 फेस और होंगे। ठीक, अभी कह रहा है कितने घनों में केवल, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो अब सोचो अगर सब में रंग कर दिया, तो अगर इधर रंग करेंगे, यहाँ पे 3 कोने हैं, इधर भी रंग होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, तीनों साइड,
ऐसा ही इधर भी होगा, ऐसा ही इस कॉर्नर पे और ऐसा ही इस कॉर्नर पे, यानी ये तो आंसर नहीं होने वाला। अब ये जो साइड्स हैं ऊपर वाली, इसमें भी दो तरफ होगा रंग, एक इधर साइड, एक इधर साइड और एक इधर साइड, यानी तीन जो, यानी एक फलक पर जो रंग होगा वो इसमें 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 और इसी तरह ये और इसी तरह, यानी यही जो फेस होंगे जिनकी सिर्फ इतने सरफेस पे रंग होगा। तो ऐसे सरफेस, ऐसे फेस कितने हुए, घन कितने हुए, छः। अब यही छः पीछे भी होंगे, इधर भी होंगे, उधर भी होंगे, ऊपर भी होंगे, नीचे भी होंगे, यानी इसी तरीके के, सॉरी छः नहीं, नौ हैं, नौ फेस होंगे, वो भी छः बार, है ना। घन में कितनी कितने फलक होते हैं, छः होते हैं, तो अगर हम एक आगे का निकाल लें तो ऐसे ही छः और हैं इसी को मिला के, तो 9 × 56 = 9 × 54 9 × 6 = 54। तो आंसर जो होगा वो मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था, हल्का सा कंसेप्चुअल बेस्ड था, यानी अगर आपको ये डाइस वाले में कंसेप्ट आपका अच्छा है, बिल्डअप है, तो क्वेश्चन आसानी से हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा फॉर्मूले बेस पे कह रहा है, पंचभुज, पंचभुज यानी पेंटागन, इसमें अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो अंतःकोणों का योग का हम फॉर्मूला सीधा मानते हैं n-2 × 180, जहाँ पर n क्या होती है, किसी भी पॉलीगन, जहाँ पर n क्या होता है, किसी भी बहुभुज की भुजा। तो इसमें भुजा कितनी, पंचभुज, यानी हो जाएगा 5 - 2, पंचभुज मतलब पांच भुजा, 5 - 2 × 180 यानी 3 × 180, तो आंसर हो जाएगा 540 यानी 540 आंसर, तो आंसर हो जाएगा 540 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, ठीक, एक खंभा है, इसको पोल को, ये एक पोल है जो, जिसका 4/7 भाग जो है कीचड़ में धंसा है, ठीक। हम इस पोल की हाइट को एक्स लेट कर ले रहे हैं, पूरी हाइट एक्स, क्योंकि जब एक्स लेट कर लेंगे लास्ट में जो भी इक्वेशन बचेगा, हमारा टाइम बचता है, डायरेक्ट एक्स निकल आता है। तो खैर, इसका कुछ पोर्शन 4/7 मान लेते हैं, इतना पोर्शन 4/7 है, इतना पोर्शन 4/7 है, किसका होगा 4/7, एक्स का, यानी 4/7 भाग ऑफ एक्स, एक्स का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। फिर कह रहे हैं जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग, फिर अगेन कह रहे हैं धंसे हुआ भाग यानी 4/7 एक्स का मतलब मल्टीप्लाई 3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में। क्वेश्चन मतलब सुन में आया, कहने का मतलब है इतना भाग बाहर खींचा गया, जबकि इतने में से भाग अब भी कीचड़ में था, और जब कीचड़ में भाग नापा गया तो 8 आया। फिर से देखते हैं, इतना भाग कीचड़ में धंसा था, इस भाग का 1/3 भाग हमने निकालने की कोशिश की, तब भी 8 मीटर धंसा रहा, तो निकालने की कोशिश का मतलब माइनस किया, तो मेरी इक्वेशन बन गई 4/7 एक्स, यानी जितना भाग हमने बाहर खींचा था, और 4/7 एक्स का 1/3 जितना अभी भी कीचड़ में धंसा हुआ है। फिर से देखिए, खंबे का एक्स जो मीटर लंबा है खंबा, उसका 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, और इस 4/7 का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तब पाया गया कि 8 मीटर भाग अब भी अंदर कीचड़ में है। तो अंदर कीचड़ में कितना भाग होगा, अंदर कीचड़ में भाग होगा जितना भाग पहले था धंसा हुआ, उस भाग में हम हल्का सा हमने पुश किया, ऊपर किया, यानी 4/7, और जितना भी बचा हुआ होगा वो पूरे में, यानी 4/7 में जितना निकाला है, यानी 4/7 एक्स 1/3, ये बचा हुआ भाग माइनस ही तो होगा, इसलिए हमने यह माइनस लगाया है। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, अब इसे सिंपली सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 4/7, जैसा कि एक्स के साथ पूरा कॉमन है, बचेगा 1 - 1/3 = 8। इसे सॉल्व करते हैं फिर, 4/7 एक्स, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 2/3 = 8, 4
दुना पूरा 8 कट गया, नीचे हो जाएगा एक्स बटे 21 बराबर 1, यानी सीधा एक्स बराबर 21। इसी मारे एक्स 21 पहले माना था हमने, यानी कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू सीधी आ गई 21 मीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा टाइम और वर्क वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम लोग व्युत्क्रम विधि से लगाते हैं, है ना, इन्वर्स मेथड से, यानी जितना भी काम होता है उसको हम लोग अपॉन में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एक ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो लिख लेते हैं अपॉन में 1/a और बी मिल के इसलिए प्लस लगाया, बराबर 12 दिन में यानी 12। फिर कह रहा है बी और सी मिल के, फिर बी का 1/b प्लस 1/c इक्वल्स टू 15 है, तो नीचे 15 हो गया, काम करते हैं। और कह रहा है, तो अगेन कह रहा है सी और ए उसी काम को, सी लिख लिया ए लिख लिया, उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो निकालना है ए कितने दिन में मतलब अपने अकेले काम करेगा। तो ठीक है सॉल्व करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को पकड़ लिया, हमने ये दोनों इक्वेशन पकड़ ली, माइनस कर देते हैं, माइनस 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 में चेंज हो जाते हैं साइन, तो 1/c बोलो चेंज हो, कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, 1/b माइनस 1/a, इधर लिखेंगे 1/15 माइनस 1/20। सॉल्व करते हैं 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू, इसको करेंगे ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी हो गया 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू 1/60। इक्वेशन नहीं तैयार, अब हम लोग इस इक्वेशन को इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी इसको लिख लेंगे प्लस में 1/b पहले लिख लो या 1/a कोई दिक्कत नहीं है, ये 12, और रियल इक्वेशन यहाँ चढ़ा देंगे 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू, हम देख रहे हैं कि साइन अल्टरनेट, एक का प्लस एक का माइनस, तो इसको कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने इक्वेशन को जोड़ा है। जब दोनों साइन अल्टरनेट होते हैं तो इक्वेशन को प्लस करते हैं, अब जो दो साइन एक ही जैसे होते हैं तो माइनस करते हैं, ताकि सॉल्यूशन को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। तो 1/b हो जाएगा 2/b इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/12 क्योंकि हम लोग ने प्लस किया था इसलिए बीच में प्लस का साइन, एलसीएम लेंगे 60, ये हो जाएगा 5+1, यानी कह सकते हैं 6/60 2/b, इधर लिखते हैं 2/b इक्वल्स टू 1/10, या कह सकते हैं बी इक्वल्स टू 20। बी का आंसर आया 20 दिन, हमें निकालना क्या था ए के रिस्पेक्ट में निकालना था, तो चलो ए का मान कहीं भी यहाँ पे रख देते हैं, कहाँ गया ये देखेंगे 1/a, हालांकि ए का मान निकालना था तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर सकते थे तो डायरेक्ट आंसर निकल सकता, बट कोई बात नहीं आ गया, कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं आंसर ऐसे भी आ जाएगा, ये हो गया 1/12 इक्वल्स टू 1/b यानी माइनस का 20। तो 1/12 माइनस 1/20 इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा 20 माइनस 12 इज द सेंस 8/20 × 12। 4 से करेंगे 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2 से करेंगे 10, यानी a इक्वल्स टू 10 × 3, यानी आंसर हो जाएगा 30, आंसर आएगा 30 दिन। देखो ये मैंने पूरा कंसेप्ट बताया है कि कैसे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे तो उसकी ट्रिक भी है और ट्रिक में एक मिनट के अंदर ही आंसर निकल आता है, बट ज़रूरी नहीं है, हमें पूरा कंसेप्ट बिल्डअप करना है ना, नहीं तो ट्रिक अगर हम लोग रटने की कोशिश करेंगे तो अगला क्वेश्चन अगर इसी से थोड़ा सा भी चेंज होगा वो आंसर भी बदल जाएगा। मेरा काम था पूरा समझाना, बाकी आपकी मर्जी, ट्रिक से आता हो तो ट्रिक से करिए वरना ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का इतना इतना है, ठीक है, तो लाभ है या प्रतिशत, तो पहले हमें यही पता होना चाहिए इसमें लाभ है या हानि। लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब हम किसी भी चीज़ को बेचते ज़्यादा अमाउंट में उसकी खरीदी अमाउंट से, यानी हमने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी और बेच दी 200 रुपये में, तो फ़ायदा हुआ, ऐसे उल्टा हानि होता है, तो पता ही होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर हम कुछ खरीदते हैं, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर हम कुछ
बेचते हैं, उसका 3/2 है, यानी क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। अब अंश यानी 3 बड़ा है 2 से, जब भी अंश बड़ा होता है वो नंबर पूरा की पूरा ज़्यादा बड़ा होता है, यानी क्रय जो है विक्रय से बड़ा है, यानी उसने खरीदा ज़्यादा में, खरीदा ज़्यादा में और जो बेचा कम में, तो बोलो क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, अब हानि का प्रतिशत निकालना है, तो अब पहले इक्वेशन बना लेते हैं। मान लेते हैं क्रय मूल कितना है विक्रय मूल कितना है x, तो क्रय मूल कितना होगा इसी x यानी विक्रय मूल का 3/2 जो कि दिया हुआ है, तो हानि कितनी हो जाएगी, हानि प्रतिशत फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का साइन। तो हानि हुई कितनी, हानि हुई है 3/2 x यानी क्रय मूल माइनस जिसमें हम लोग ने बेचा यानी x, बटे क्रय मूल कितना है 3/2 x मल्टीप्लाई बाई 100 और सिग्नेचर और साइन परसेंटेज का। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा x अपॉन 2 और इधर हो जाएगा 3/2 x मल्टीप्लाई बाई 100। x अपॉन 2 पूरा कट गया, बचा 100 अपॉन 3 का परसेंटेज। इसको अगर निकालेंगे तो डिवाइड करने पे 33 होल 1/3 यानी 33 सही 1/3 आंसर हो जाएगा। इतने प्रतिशत की हमारी हानि भी, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ बहुत इजी है, बट उनके लिए जिनका बेस अच्छा है भाग में, बहुत से बच्चे प्लस माइनस और गुणा भाग तो सीख लेते हैं लेकिन भाग में कहाँ पे जीरो उतारना है, कहाँ पे पॉइंट लगाना है, कहाँ पे दो नंबर उतारने हैं, कहाँ पे एक नंबर उतारना है, इसको सब स्किप कर देते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। लिखा हुआ है सिंपल, 12 से भाग देना है, 12 को, ठीक है, तो 12 × 12 सिंपली कट। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे 1 रूल के हिसाब से नोट किया बट ये अभी छोटा है, हमें और देखना है। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना है, पॉइंट तब लगता है जब ये पूरे नंबर ख़त्म हो गए होते, हमें बीच से ही उतारने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें यहाँ 0 नोट करना है, 0 ये अभी छोटा है, फिर नोट करेंगे 0, फिर आ जाएगा 1, अब आ जाएगा 12 × 8 = 96 आया 5 2 उसके बाद अब आ जाएगा 12 × 48 4 यानी 4 शेषफल बचेगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी होता है, इकाई का अंक ढूंढना होता है, हमें बस इकाई के अंक को ही फोकस करना पड़ेगा, यानी 8, 6, 9 और 2, बाकी सब बकवास। फिर अगेन 8 × 48 का पीछे वाला 8, 9 × 2 = 18 का 8, 8 × 64 आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी देखो इकाई का अंक है, बस हमें इकाई के नंबर पे ही फोकस करना है, पीछे के अंक लगने का क्या फ़ायदा है, इसलिए सिर्फ इकाई के अंक को ही देखना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अच्छा ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि इतना है तो उसका माध्य क्या होगा, एक चीज़ देख के दूसरी चीज़ पूछ रही है, ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्याओं का योग कितना होगा, संख्या कितनी दी है, 5 + 7 + 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2 संख्या कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 संख्याएं। अब ये खुद मान दे रहा है माध्य का 4.5, तो इसका इसका बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 45। अब इनको जोड़ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी, 7 × 12 = 19, 19 × 8 = 27, 27 × 5 = 32, 36 × 39 = 40, 42 यानी 42 + x, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इक्वल किधर आ जाएगा, यानी 45 − 42 = x, दैट मीन्स x = 3, यानी x का मान निकल आया 3।
अब कह रहा है उसका माध्यक क्या होगा, तो आते हैं माध्यक पे। माध्यक का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले माध्यक में क्या करते हैं हम लोग, पूरे डेटा को आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम इज द सेंस, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो छोटे से संख्या क्या है, पहले लिखा 1, कॉमा 2, 1 हो गया, 2 हो गया, कॉमा 3, देखो दो बार है 3, कॉमा 3, देन उसके बाद 4, 4 एक ही बार है 4, उसके बाद हुआ 5 दो बार है, 7 दो बार है, और लास्ट में 8 हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। अब हमें निकालना माध्यक, तो माध्यक के लिए सबसे पहले n गिनते हैं, n इज द सेंस, नंबर कितने हैं, तो n देखें हमने 10 हैं, 10 हैं, डिजिट कितने हैं 10 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हो गई सम संख्या। सम संख्या के लिए माध्यक का फॉर्मूला होता है 1/2 इन ब्रैकेट n बटे दो वे पद का मान प्लस n बटे दो प्लस 1 वे पद का मान। तो 1/2 n कितना था 5, सॉरी n कितना था 10, 10/2 में पद का मान प्लस 10/2 प्लस 1 में पद का मान, तो 1/2 5 और ये 5, यानी हो गया 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान। तो 5वां पद कौन सा है, 5वां पद आया 1, 2, 3, 4, 5, यानी 4, प्लस 5वां पद कौन है इसके एग्जैक्ट बाद वाला 5, यानी हो जाएगा अभी आंसर होगा 9/2 यानी 4.5। हाँ मतलब जो माध्य था वही माध्यक भी है, ठीक कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आंसर कितना आया 4.4.5। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया है, आर ए फिशर ने ये प्रतिपादित किया था ना स्टेटिस्टिक्स में, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः इतने इतने हैं, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। क्लास 9th में और 10th में दो चैप्टर आते हैं ट्राइंगल के, एनसीईआरटी में, उसमें एक थ्योरी है, वैसे ये तो थ्योरी मतलब वर्ल्ड फेमस थ्योरी है, बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय इन इंग्लिश मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम में क्या होता है, तो ये थ्योरी कहती है कि यदि कोई भी त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजा के मध्य बिंदु दिए गए हैं, तो उसके अंदर बनने वाले कोई भी छोटे छोटे त्रिभुज अपने बड़े वाले त्रिभुज के 1/4 होंगे, यानी इसका जो ये पिज़्ज़ा जैसा शेप है एक, ये पूरे त्रिभुज ए बी सी के 1/4 होगा। जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है, यानी कोई भी एक त्रिभुज इन चारों में उसका 1/4 होगा, तो 1/4 वाला ही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी डी ई एफ, देखो ये दिया हुआ है डी ई एफ, यानी ये पोर्शन अपने बड़े वाले त्रिभुज के 1/4 होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ तो नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल, तो संख्या मान लेते हैं पहले एक एक्स हो गई और एक वाई हो गई, इसका अंतर दिया है क्रमशः 5 और मल्टीप्लाई दिया है 36, तो उनके व्युत्क्रम मतलब उनके इनवर्स का अंतर कितना होगा, यानी 1/(x-1)y हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हम लोग x और y निकाल लें, तो सिंपल सी इक्वेशन बन गई मेरे पास, यानी यहाँ पे फैक्टर मेथड लगेगा। अगर हम y की वैल्यू निकाल लें, यानी 36/x, तो इसमें पुट कर सकते हैं वैल्यू, x माइनस y की वैल्यू हो जाएगी 36/x = 5, क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा x²-36=5x, ये हो जाएगा x²-5x-36=0, 5 को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई पे 36 आए, यानी x²-9^36, यानी 9-4 इन ब्रैकेट, और ये हो जाएगा x-36=0, फिर मल्टीप्लाई x²-9x-4x-36=0, कॉमन करते हैं x-4 x-9=0, तो मेरे पास नंबर आ गया, फैक्टर आ गया x-9 x-4=0, यानी दो संख्या आ गई, 9 भी आ गया और 4 भी, क्योंकि दोनों प्लस में हैं तो हम लोग दोनों को पुट कर सकते हैं, यानी अगर x 9 है तो ऑफ कोर्स y 4 होगा, और अगर x 4 है तो ऑफ कोर्स 9
5 होगा, तो कोई भी नंबर रख सकते हैं। अब कह रहे हैं इनके व्युत्क्रम का माइनस क्या होगा, तो ठीक है माइनस लिख सकते हैं, x को 4 मान लेते हैं, अगर 9 मानेंगे तब भी आंसर आएगा बस, बट माइनस में आएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं होता माइनस प्लस का, क्योंकि नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, दो नंबर आ सकते हैं और दो नंबर के हिसाब से हमें ऑप्शन में टिक लगाना होगा, और ऑप्शन में देख सकते हैं कहीं भी माइनस नहीं लिखा हुआ है, यानी पहला वाला नंबर बड़ा लिया उन्होंने, और बड़ा नंबर वही होगा जिसका डिनोमिनेटर बाद वाले से हल्का सा बड़ा होना चाहिए, बाद वाले से छोटा हो, तो ठीक है ये ले लेते हैं, क्यों जगह 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 बटे 36 हो जाएगा सर। अच्छा निकाल के दिखा देते हैं दोना दूसरों तो निकाल के दिखा देते हैं, चलो अच्छा निकाल के दिखा देते हैं दूसरा भी, 1/9 1/4 इसको करेंगे बस फर्क आएगा माइनस 5/36 आएगा, इसमें प्लस का 5/36 है, तो दोनों में से आपको आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर क्वेश्चन है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावन कौन थे, ऑप्शन नंबर 2 श्रीनिवास रामानुजन, है ना, इन्हीं से इंस्पायर होकर इनकी ऊपर एक मूवी बनी है, तो आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। अगला है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर है। देखो अच्छा पूरा जो कमरा होता है उसको हम लोग शेप मानते हैं घनाभ, अगर ये घन भी है तो घनाभ वाले फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाता है। कह रहा है चारों दीवारों का, तो ऐसे तो क्षेत्रफल होता है 2lb प्लस bh प्लस hl पूरा, और अगर सिर्फ दीवार निकालेंगे तो ऑफकोर्स ये लेंथ और ये भी यानी छत और फर्श हटाएंगे यानी lb यानी दो बार हटा देंगे, तो तब फॉर्मूला बन जाता है 2bh प्लस hl, यानी किसी भी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 (bh + hl) ये, और दिया हुआ है 660। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर h देखा जाए कॉमन है ये हो जाएगा b + l = 660, दो नीचे कर देंगे आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन का 330। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है जो लंबाई है उसकी, लंबाई उसकी चौड़ाई की यानी b की कितनी है, दो गुनी है, यानी लेंथ की जगह पे हम लोग 2b लिख सकते हैं 330 ये हो जाएगा, और हाइट भी दिए, हाइट की वैल्यू रख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बी प्लस 2b यानी हो गया 3b = 330, तो इससे डायरेक्टली बी की वैल्यू आ गई 330/11 मल्टीप्लाई 3, 3 से काटेंगे 110, 11 से काटेंगे 10, यानी बी की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जब बी इतना है लंबाई इसकी दोगुनी थी यानी 20, तो छत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई यानी 10 × 20 हो जाएगा 200 वर्ग मीटर, तो आंसर इसका हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 14/33 42/55 और 21/22 का मासा क्या होगा, तो जब भी परिमेय संख्या, परिमेय नहीं हम लोग डायरेक्टली कहेंगे भिन्न संख्या, तो भिन्न संख्या को जब भी मासापा निकालना होता है तो अंश का मासा निकालते हैं और हर का लासा, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या, हर का मतलब नीचे वाली संख्या, तो संख्या जो है वो अंश है 1 14 1 42 और 1 21, तो इसका मासापा निकालते हैं, तो सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर यानी अभाजी गुणनखंड, 7 × 2 42 को 7 × 2 × 3 और 21 7 × 3, मासापा वो होता है जो सभी संख्याओं में कॉमन होता है यानी 7, तो ऊपर आ जाएगा 7 बटे, अब नीचे का हर का क्या होता है लासा, यानी 33 का 55 का और 22 का लासा निकालते हैं, तो लासा हो जाएगा 11 से 3 5 और 2, उसके बाद फिर से 3 से 5, 2 फिर 5 से 1, 1, 2 और फिर उसके बाद 2 से 1, 1, 2, यानी लासा हो जाएगा 11 × 33 और 33 × 330 यानी नीचे हो जाएगा 330, इसका पूरा का लासा का हो जाएगा 330, तो पूरे नंबर यानी पूरे भिन्न का मासापा कितना हो जाएगा 7/330, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होते तो बहुत इजी हैं बट देखने में, क्योंकि इन पे रूट लगा होता है, अक्सर बच्चे इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ नहीं, कुछ तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस देखना है कि ये फॉर्मूला कैसे बनाता है। लिखा हुआ है इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले इसको स्क्वायर रूट निकालने से पहले पूरे होल स्क्वायर में इसको बनाना सीखना पड़ेगा। हमेशा ये क्वेश्चन जो होते हैं होल स्क्वायर के फॉर्मूले में दिए होते हैं, मतलब आपको हिंट मिल जाना चाहिए जैसे क्वेश्चन आए कि इसको होल स्क्वायर में किसी ना किसी तरह कन्वर्ट किया जाए। तो देखो लिखा है 7 + 2√10, हम 7 को 5 + 2 लिख सकते हैं और √10 को √5 और √2 लिख सकते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं हमें 2ab की तरह लग रहा है, जहाँ पे a होना चाहिए √5 और b होना चाहिए √2। तो क्यों ना इसे हम a के फॉर्म में यानी √5 का स्क्वायर लिख दें, क्योंकि हमें पता है √5 का स्क्वायर जो होता है वो 5 ही होता है। सेम ऐसे ही 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और देखो आगे लिखा है √5 और √2। तो ये फॉर्मूला बन गया, a² + b² + 2ab होता क्या है a + b का होल स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है √5 + b क्या है √2। ये मेरा पूरा फॉर्मूला हो गया। अब कह रहा है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट हो जाएगा √5 + √2, इसका स्क्वायर है और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा, आंसर होगा √5 + √2, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन लिखा है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। वर्ग मतलब जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में भी यही होता है, उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। एक भुजा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ इसका मतलब उनकी दोनों की एक भुजा सेम है, यानी इसको हम सेम मान लेते हैं। तो भैया क्योंकि ये वर्ग है तो चारों भुजा इसकी बराबर, तीनों भुजा इसकी बराबर, यानी सभी भुजा आपस में बराबर हैं। कह रहे यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक भुजा ये है, तो उसका परिमाप क्या होगा। देखो परिमाप वो होता है जो आउटर सरफेस पे हम पूरा ट्रैवल करते हैं, यानी इस कोने से अगर हम यहाँ चले, देखो यहाँ पे हम यहाँ चले, ये चले, ये चले, ये और ये मेरा पूरा परिमाप हो गया। तो भैया 4/3 को कितने बार हमने कंसीडर किया, 1, 2, 3, 4, 5, यानी मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया परिमाप, यानी ये हो जाएगा 20/3। अब 20/3 को डिवाइड कर लेते हैं अच्छे से, 3 × 18 ये हो गया 3, ये 6 आगे आ जाएगा, 3 इधर, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 ऊपर और ये 3, तो 6 सही 2/3 सेंटीमीटर, यानी आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। देखो 99 से विभाजित होने से पहले हम ये देख ले कि 99 को अगर तोड़ा जाए 9 × 11, और 11 का बहुत अच्छा रूल होता है कि वो नंबर 11 से डिवाइड होगा जिसके इवन नंबर और ऑड नंबर, यानी सम स्थान पर आने वाले और विषम स्थान पर आने वाले नंबरों का जो अंतर होगा वो 0 होना चाहिए। तो देखते हैं 11 से पहले निकालते हैं 11 के लिए, क्योंकि जब 11 से डिवाइड होगा तब हम 9 पे देखेंगे। तो अगर देखा जाए 3, 7, 4 और 6 ये विषम संख्या विषम स्थान पर आने वाले अंक हैं और ये सम पे, तो जोड़ेंगे 7, 3, 10, 14, 20, 20 - ये हो जाएगा 5, 2, 7, 6, ये हो नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। अगेन 9, 3, 12, 12, ये तो ऐसे ही ज़्यादा हो रहा, ये भी नहीं होगा। 6, 6, 9, 15, 15, ठीक है, 3, 7, 10, 2, 12, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। चेक भी कर लेते हैं, 1, 4, 5, 5, 4, 9 - 1, 3, 4, 4, 5, 9, देखिए आ गया 0। जब ये 11 से डिवाइड हो रहा है तो ऑफकोर्स ये तो पूरे हो ही नहीं रहे, आंसर नंबर 4 हो जाएगा इसका। फिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाई क्या है। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होती है, देखो पाई को हम लोग 22/7 भी लिखते हैं, और अगर इसको एक्चुअल में डिवाइड करेंगे तो 3.14 समथिंग ऐसी नंबर जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अब क्योंकि ये हम लोग सहूलियत के लिए रखते हैं, इसलिए इसको हम लोग मतलब ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, तो आंसर ही होगा। और ये जो नंबर कभी भी पूरे नहीं होते हैं पीछे तरफ, वो नंबर होते हैं अपरमेय संख्या, यानी पाई जो होगा वो अपरमेय संख्या हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, दिया है यदि 10^3x बराबर हो 125 के, तो 10^-2x का मान क्या होगा। अच्छा, माइनस को हम लोग सही से लिखेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, यानी माइनस ये शो करता है कि अंश से हर में कैसे बदलाव किया जाए, यानी ऊपर अगर माइनस का अंश है तो नीचे करते हुए वो प्लस में हर में बदल जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं 1/2 को, यानी ये 2 नीचे हर में है, अगर इसको अंश में लाना है तो 2^-1 हो जाएगी। इसी तरीके से 2^2 है तो अगर ऊपर आएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो ऐसे ये दिया हुआ है ये क्वेश्चन। यानी हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम नीचे 1/10^2x निकाल लें तो वो मेरा आंसर होगा। तो ठीक है, निकालते हैं। अब ये देखिए, पावर मल्टीप्लाई में, और पावर मल्टीप्लाई में तभी होती है जब पावर के ऊपर पावर होती है। यानी हम 10^x को 3^3 लिख सकते हैं, बराबर इसको लिख सकते हैं 5^3। घात 3 और 3 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 10^x बराबर 5। अब हमें देखिए लाना क्या था, 2x। तो 2x के लिए क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, तो ये हो जाएगा 2x 10^2x, और ये हो जाएगा 5^2 यानी 25। अब ये क्या कह रहा है, 1/, यानी रिवर्स करना है, तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 1/10^10x, और ये रिवर्स हो जाएगा 1/25, यानी 1/25 मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, लिखा है कि 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल, यानी जो क्वेश्चन आता है 167 आता है, और जो रिमाइंडर है 43, तो डिविजर क्या होगा। ठीक है, भाजक क्या होगा। तो इसको ऐसे बनाते हैं जैसे हम वाकई में डिवाइड दे रहे हों, यानी 16075 को भाग देना किससे, किसी संख्या से। मान लो वो संख्या x है, हम x से 16075 को भाग देते हैं तो भागफल 167, और यहाँ पे काट पीट के रिमाइंडर जो बचता है वो बचता है 43। तो इसमें भाजक यानी x क्या होगा, तो हमें पता है इसका रूप कैसे लिखते हैं। इसका ये जो नंबर है बीच में, यानी 16075, ये तभी आया होगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया होगा, यानी x का मल्टीप्लाई किया होगा 167 से, और रिमाइंडर इसमें यानी शेषफल इसमें जोड़ दिया होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है वो 26, ये लिखा है 5, तो कैसे करेंगे, 5 का 5 बार ये हो जाएगा 25, एक बचेगा। अभी 26 कैसे आएगा, 26 आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई से और रिमाइंडर को जोड़ने से, 5 × 25, 25 × 1 = 26 आ गया भाई। सेम वही किया है, इसको लिखने के लिए सबसे पहले x और 167 को मल्टीप्लाई और रिमाइंडर उसको हमने जोड़ दिया। तो अब इससे x की वैल्यू आसान से निकल आएगी, क्योंकि 165 अब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो गया 167x। इसको जब लेस करेंगे तो होगा 16032 इक्वल्स टू 167। देन x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, इसको हम लोग डिवाइड देंगे, तो 2 है लास्ट टाइम, तो होप 56 बढ़ जाएगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा 56 यानी 56। ये रहा 56, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब पूछ रहा है 50 से छोटे कुछ अभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो या तो खुद से कटें या तो 1 से कटें, खुद से या 1 से। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अमूमन ये रटा जाता है, या हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, 55 से पहले के नंबर कितने होते हैं, वो होते हैं 15। देख लेते हैं, 1, उसके बाद आ गया 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,
41, 43 और 47, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आंसर सिंपल सा इसमें 15 आ जाएगा, इसमें कोई फॉर्मूला वाला नहीं लगना है। नेक्स्ट है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दूना। ठीक है, लेट कर लेते हैं। दो संख्याएं, बड़ी संख्या को कंसीडर कर ले रहे हैं बी, छोटी संख्या को कंसीडर कर ले रहे हैं सी। दो संख्याएं कह रहा है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दो गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है। इक्वेशन बन गई 2b = 5c + 3। अब कह रहा है अगेन, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से और छोटी संख्या के 3 गुने का योग यानी जोड़, ये बराबर है 71 के, यानी हो जाएगा 4b + 3c = 71। तो वैल्यू फाइंड करनी है, वे संख्याएं। ठीक है, देखो 4b का मान अगर निकाल लें हम यहाँ से, यानी यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4b। अब मैथ करूँ ले, उधर मल्टीप्लाई करना है तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10c + 6। यानी 4b के जगह पर हम 10c + 6 रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10c + 6। और ये पे लिखा हुआ है 3c = 71, तो 10c और 3c मिलके हो जाएगा 13c = 71 - 6। देन 13c विल बी इक्वल टू हो जाएगा 170, यूनि हो जाएगा 65। देन सी विल बी 65/13, दैट मीन्स 5। यानी सी एक नंबर पर, ये वो आंसर साफ साफ लिखा हुआ है 5। तो जब एक नंबर 5 है तो ऑलरेडी दूसरा नंबर 14 होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक स्क्वायर है विद अ साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर और इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, और ये होता है एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई बी। ए स्क्वायर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर हो गया, लेंथ दी है 16, बी नहीं पता है, तो बी निकालने के लिए सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 × 8 / 16 = b, 8 × 2 = 24, b = 4 सेंटीमीटर जी आंसर, और ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेशियो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 3 नंबर आपस में इक्वल हैं। जब भी पूरी मैथ में आपस में नंबर इक्वल होते हैं तो हम अपने आप एक कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी के मान लिया। अब बारी बारी इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक बार a/3 = k करेंगे, यानी हो जाएगा a की वैल्यू 3k। ऐसे ही एक बार b को अलग कर लेते हैं k से, ये हो जाएगा b = 4k, और उसके बाद हो जाएगा c = 7k, है ना, मतलब c/7 = k, देन c will be 7k। अब वैल्यू कह रहा है a + b + c/c की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू हमने निकाली 3k प्लस b की वैल्यू निकाली 4k और c की वैल्यू 7k, नीचे 7k अगेन क्योंकि c लिखा हुआ है। अब 4 × 3 = 7, 7 × 7 = 14, यानी ऊपर आएगा 14k, नीचे आएगा 7k, k से k कैंसिल, जो कि लेट किया था, लेट वाली चीज़ हमेशा आपस में या सॉल्यूशन के बाद
गायब हो जाती है या कट ही जाती है। अगर नहीं कटे तो उसे क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, कहीं गलत ना हो, यानी जो कांस्टेंट कांस्टेंट नंबर माना है वो कहीं ना कहीं आखिरी में जाएगा ही। तो 7 × 2 = 14, आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अक्सर बच्चे कैलेंडर वाला क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, पता नहीं क्यों। रीज़न यही कि कंसेप्ट नहीं क्लियर है, बेस नहीं क्लियर है, पर ट्रिक और रट्टा मार के आते हैं, खैर लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 जनवरी 1991 को, दिन था सैटरडे का, ठीक। 3 मार्च 1992 यानी अगले ही साल को कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानना जरूरी ये है कि जो नॉर्मल ईयर होते हैं उनमें 365 दिन होते हैं, और 365 दिन का मतलब हो गया 52 हफ्ते प्लस एक दिन एक्स्ट्रा। 52 हफ्ते मतलब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 आएगा और रिमाइंडर बचेगा 1, यानी 52 तो सप्ताह होते हैं, साथ में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। फिर वहीं अगर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में हम जानते हैं 366 दिन होते हैं, यानी 52 हफ्ते प्लस 2 दिन, ठीक है। अभी देखा जाए कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है, तो ये 1992 यानी 1992 लिखा हुआ जो है वो डिविजिबल है 4 से। जो 4 से डिविजिबल होता है वो होता है लीप ईयर, ठीक। यहाँ तक तो सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 5 जनवरी 1991 को सैटरडे था, तो अगले ही साल यानी 5 जनवरी 1992 को ये दिन बदलेगा 52 हफ्ते और एक दिन के हिसाब से, क्योंकि 365 दिन जोड़ दिया, एक साल हो गया, 365 दिन में 52 दिन तो सेम रहेंगे, यानी यहाँ पे सैटरडे और एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, यानी 5 जनवरी 1992 को मेरा दिन हो गया संडे। संडे, अब यहाँ पे संडे हो गया 5 जनवरी को। अब देखते हैं कितने हफ्ता बीते हैं। 5 के अगले दिन कितना हो जाएगा 12, यानी 12 को भी संडे ही होगा। अब ऐसे करते जाएं, 12 के बाद 19, फिर 26। अब 26 के बाद ध्यान रखना ये लीप ईयर था, यानी एक दिन एक्स्ट्रा इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 7 अगर ऐसे 3 आता बट लीप ईयर है तो अगला सप्ताह हो जाएगा 2 तारीख को, उसके बाद 9 तारीख को, 16 तारीख को, 23 तारीख को और फिर 1 तारीख को। 1 तारीख तक अभी भी दिन वही संडे ही चल रहा है, संडे। अब हमें पूछ रहा है 3 मार्च को, तो ऑफकोर्स 1 को संडे है तो 2 को होगा मंडे और 3 को हो जाएगा ट्यूसडे। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, बस कंसेप्ट एक बार बिल्डअप कर लीजिए, खुद ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक के पीछे भागेंगे तो ये कभी भी एक बार आएगा, फिर अगले महीने फिर तैयारी करनी पड़ सकती है। तो आंसर हो जाएगा ट्यूसडे यानी मंगलवार। ये अगला क्वेश्चन है, हल करना है इसको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, 1/3 जैसा का अभी बताया कि इस माइनस को अगर प्लस करना होता है तो इसको रिवर्स कर दो, 3 की घात 3 डिवाइड बाई 4 की घात 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 4 की घात 3, ये हो गया 9 माइनस, क्योंकि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, अपॉन 4 की घात 3 यानी 4 × 16 = 64, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 की घात 3 है यानी 3 to the power 3, ये हो जाएगा 27 माइनस 16 अपॉन ये 4, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 11/64। सिंपल सा क्वेश्चन आंसर ये 64। अगला, अगला कह रहा है क्वेश्चन, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं, तो हमें पता है किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए या वो एग्जिस्ट करता है उसकी 2 भुजाओं का यानी 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल सा पंडा है, क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ 6.3, अगर इसको जोड़ देते हैं 6.3 5.9, ये होगा 3
सॉरी 2.1 जगह 12.2, ये हमेशा इससे बड़ी है, अफकोर्स बड़ी है। अब इन दोनों को चेक करते हैं और फिर इन दोनों को चेक करेंगे, तो अगर ये हो रहा है तो ये वाकई में त्रिभुज होगा। चेक करते हैं, लिखेंगे 5.9 प्लस 4.6, टेन पॉइंट फाइव, ये भी बड़ी है। और फिर लास्ट में चेक करेंगे इन दोनों को, 6.3, 4.6, यानी 9, 10, ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक, यानी तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही है, यानी आंसर नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अच्छा, और चेक करना, चेक कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर जितने भी जुड़ जाएं, सेंटीमीटर के एक अकेले दाई से बड़े नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलती हो जाएगा। नेक्स्ट, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी इसके बराबर भी नहीं पहुँच रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत ही होगा। और लास्ट वाला तो देखने ही से गलत है, क्योंकि तीन तीन जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और दो भुजा बराबर तीसरी भुजा के, ऐसा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं त्रिभुज, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, है ना। थ्योरी होती है कि किसी भी दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तब हो जाके त्रिभुज होगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल डेटा पे है, √3 इनमें आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब है पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो जैसे कि हमें पता है रूट की वैल्यू, रूट थ्री की वैल्यू, ये कुछ वैल्यूज होती है जो याद होनी चाहिए, 1.732। अब देखो, 4 रूट लिखा है, इसको हम ये लिख सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं 1.4 के इक्वल, सॉरी 1.6 इक्वल होता है। जब इसको मल्टीप्लाई 1.6 करते हैं तो आंसर आता है 4.09 समथिंग। तो हम एक अंदाज़ा ले लेते हैं, इसकी वैल्यू तो हो गई 1.732 और इसकी वैल्यू हो गई 1.6। बचा ये, इसकी वैल्यू होती है 1.49 के अराउंड, 49। तो इस हिसाब से देखा जाए सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो होगी, वो वैल्यू होगी 5 की पावर 1/4 की। देन उसके बाद वैल्यू हो जाएगी 1.6, यानी √4, उसके बाद √3, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये कुछ वैल्यूज हैं जो याद होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन पेपर में वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हो, है ना। कुछ डेटा कुछ याद होनी चाहिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक टाइम माने रखता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा मैथ वाला पोर्शन खत्म हो चुका है, अब लास्ट यूनिट होता है पर्यावरणीय अध्ययन का, है ना, जो कि कंपलसरी ये भी है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग, ये तो किसी को भी पता होगा, कोई भी हिस्ट्री से जुड़ा बच्चा होगा उसे पता होता है कार्बन 14 क्या होता है, या जो भी बीएससी वाले बच्चे होंगे उन्हें तो ऑफ कोर्स पता होगा। इससे क्या करते हैं हम लोग, पुरानी चीज़ों की डेटिंग निकालते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, ना डेटिंग, आयु मतलब डेटिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, देखो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इससे जस्ट 2 दिन पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 24 जनवरी 1950। अगला है बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, अच्छा बायो मैग्नीफिकेशन जो होता है वो हम लोग सांद्रता को नापते हैं, सांद्रता कि समय के साथ साथ, किसी टाइम पीरियड के साथ साथ सांद्रता कितनी पॉइजन से ग्रसित हो रही है, यानी समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, है ना, ये होता है बायो मैग्नीफिकेशन। ये हमारी किडनी में, ये किडनी से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, कौन सा अजैविक घटक नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर होगा कवक। किसी भी 92 हाई स्कूल के
बच्चे जो वायु से होंगे। काफी आसान सा क्वेश्चन, काफी आसान सा क्वेश्चन है। जो बच्चे 9 और 10 में बायो अच्छे से पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि जैव मंडल का जैविक घटक जो अजैविक घटक नहीं होता है वो कवक होता है। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे? ये है नीदरलैंड में। और नीदरलैंड के कौन से शहर में? यहाँ की कैपिटल, की कैपिटल एम्स टेरडम में। यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला लिखा है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। यानी इन अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर्स आर। अगला है, सॉरी थोड़ी टेक्निकल इश्यू से ग्लीचिंग हो गई थी, पता नहीं लास्ट वाला क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ या नहीं यहाँ पे। चलिए ठीक, आगे लिखा हुआ है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो सबसे पास स्तर होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचला स्तर है। फिर है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ये पारित हुआ था 11 दिसंबर 2002 में, 11 दिसंबर 2002 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है ना? यानी वो इको फ्रेंडली कृषि होती है। बहुत से क्या होती है, झूम खेती जैसे हो गई, उसमें लोग आग जला देते हैं खेत में यहाँ से खेती करने के बाद, तो ये थोड़ा इकोसिस्टम को नुकसान करती है। बट यहाँ पूछ रहा है इसका जस्ट रिवर्स, ऐसी कौन सी कृषि करने की जो प्रक्रिया होती है जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। जैविक खेती, जैविक खेती जैसे सिक्किम में बहुत ही अच्छे से इसका एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है ना, वहाँ पर पूरी तरीके से जैविक खेती होती है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा, ऑफकोर्स ये तो सभी को पता होगा, अम्लीय वर्षा किससे रिलेटेड है? H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से, है ना, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। फिर है WWF से आशा है, ये WWF रेसलिंग वाला नहीं है, WWF का मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसको पृथ्वी के तमाम जीव जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या होने के कगार पे हैं उनके लिए फंड इकट्ठा करना है, इसका मेन काम है ना, और उससे जुड़ी लिस्ट जारी करना और उससे जुड़े बहुत सारे फैक्टर्स को ये कवर करता है। फिर है, फूलों की घाटी अवस्थित है, ऑफकोर्स ये फूलों की घाटी उपस्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी के नाम का यहाँ पे एक फूलों की घाटी ऑफकोर्स ये है उत्तराखंड में, और यहीं पे फूलों की घाटी के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो यूके का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी है। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ये है CPCB, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर है, कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी जो अवस्थित है, ये पता होगा, ये दो कॉन्टिनेंट है, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में इस साइड पे एंडीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी, वहीं पे एक ज्वालामुखी मौजूद है जो कि कोटोपॉक्सी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अगला है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो हमें पता है ये है हमारा प्यारा भारत और ये है तिब्बत। तिब्बत से यू नदी मिलके यहाँ पे एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में। इस नदी का नाम है यहाँ पर सांगपो, और भारत में इस नदी को कहते हैं ब्रह्मपुत्र, यानी आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है? तो हाल ही की रिपोर्ट के हिसाब से पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण हो रहा है आर्सेनिक से, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
लगला है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि ये भारत है, ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, यहाँ के घाट इसके कंपैरिजन में अधिकतर शुष्क हैं। तो इसका रीज़न क्या है? ये है रीज़न, रेन शेडो प्रभाव। रेन शेडो का मतलब होता है कि बारिश यहाँ पर उपस्थित पहाड़ के समांतर होकर निकल जाती है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि अगर ये मान लीजिए पहाड़ है, बारिश यहाँ पहाड़ से टकरा कर इन इलाकों में तो हो जाती है, बट ये इलाके सूखे रह जाते हैं अक्सर। तो ये रीज़न हो जाएगा शेन पैड शेन शेड रेन शेडो प्रभाव। यही कारण मुख्य है क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, इसलिए भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन जो होते हैं अधिकतर शुष्क पाए जाते हैं। फिर नीचे है क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, ये था साल 1972, है ना। इसी साल वन्य जीव सुरक्षा नियम पारित किया गया और इसी से रिलेटेड राष्ट्रीय उद्यान, इसी के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव संरक्षण हो गया और जैव मंडल हो गया, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। ये सब क्या होते हैं? इसी के अंतर्गत, यानी इसी साल जो अधिनियम पारित हुआ था उसी के अनुसार आज भी रेगुलेट किए जाते हैं, है ना, नियम 1972 के द्वारा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, सौर विकिरण कहलाती है, इसे बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, यानी सौर स्थिरांक, जो कि पूरी पृथ्वी पर हर जगह एक ही जैसा पाया जाता है, बशर्ते हम प्रदूषण ना फैलाएं। प्रदूषण क्या होता है? ये हर साल दर साल बढ़ते रहते हैं ना, तभी सारे देश दुनिया के मिलकर पेरिस समझौता कर रहे हैं ताकि हम होने वाले पोल्यूशन यानी प्रदूषण को रिड्यूस कर सकें। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है यूएसएसआर से, है ना, जिसका विघटन 1991 में हो गया था और आज ये देश रूस कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। उसके बाद सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है साइलेंट वैली, यानी शांत घाटी में। अगला है एलपीजी, एलपीजी लिक्विफाइड प्योरिफाइड गैस के संदर्भ में क्या असत है, मतलब इसमें क्या नहीं होता है? तो हाँ, मीथेन गैस ये उत्सर्जित नहीं करती, क्योंकि खुद सोचिए आप, मीथेन गैस क्या होती? मीथेन गैस बहुत ही ज्वलनशील होती है, अगर यही सिलेंडर में भर दी जाए तो आग लगने का तो चांस और हो जाएगा। यानी बस इस क्वेश्चन में बस कॉमन सेंस यूज़ करना था, आंसर आपके सामने है, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, यानी द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम्स आर, क्या क्या हैं? मेन कंपोनेंट इसके हैं जैविक और अजैविक पदार्थ, क्योंकि अमूमन हम इनको दो पार्ट में ही डिवाइड करते हैं, जैविक और अजैविक, यानी बायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा है, मुझे तो लगता है इससे इजी तो क्वेश्चन इस पेपर में नहीं होगा। मकर रेखा क्या होती है? ये पृथ्वी है, बीच में इक्वेटर यानी विषुवत रेखा जाती है जो कि 0 डिग्री अक्षांश बनाती है, ऊपर वाले को बोलते हैं नदर्न स्फेयर और ये सदर्न स्फेयर। तो ऊपर बीच से डिग्री बनाते हुए जो रेखा जाती है वो 23.5 डिग्री पे, ये होती कर्क रेखा, ध्यान देना नॉर्थ में, और यही अगर साउथ में बनाए 23.5 डिग्री पे तो इसे बोलते हैं मकर रेखा, यानी मकर रेखा हो जाएगी 23.5 डिग्री इन सदर्न स्फेयर, यानी नदर्न सदर्न, ये होगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिखा हुआ है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इकोसिस्टम किसने सबसे पहले यूज किया था, तो ये डॉक्टर ए जी टी यानी डॉक्टर ए जी टॉन्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा किसे कहते हैं। पहले क्या होता था, बहुत से नाविक कंपास और ध्रुव तारा से ही दिशा पता करते थे। ध्रुव तारा क्योंकि वो अपनी दिशा नहीं बदलता है, हालांकि कह सकते हैं बदलता तो है बट उसका टाइम पीरियड इतना होता है कि वो मानव इतिहास के पूरे टाइम पीरियड से भी ज़्यादा होगा, इसलिए उसे हम कांस्टेंट कह देते हैं यानी बदलता ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा उत्तरी तारे को, यानी इसकी दिशा हमेशा उत्तर की ओर रहती है। फिर है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया था, जब वन्य जीव अधिनियम भारत में पारित हुआ था यानी 1972 में, तो उसी के बाद से होड़ थी कि राष्ट्रीय पशु यानी टाइगर जैसे और हाथी जैसे जानवरों को जो बहुत ही तेज़ी से घट रहे थे क्योंकि इनका शिकार हो रहा था और इनके रहन सहन पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था और इनकी संख्या में बहुत ही कमी देखने को मिल रही थी, तो सरकार ने अगले ही साल प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। तो आंसर हो जाएगा 1973। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जो हाल ही में खबरों में रहा करता है, ये एमपी का है, मध्य प्रदेश का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है लखनऊ समझौता 1916 किन दो पक्षों के मध्य हुआ। तो हम जानते हैं 1916 में, अच्छा 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, है ना, कांग्रेस में विभाजन हो गया था। तो उसके बाद 1916 के बाद कांग्रेस में जितने भी विभाजन हुए थे, उन्हें जितने भी आपसी मतभेद थे, अंग्रेजों से लड़ने के लिए इन सबको बुलाया गया, यानी कांग्रेस में जो टुकड़े हुए थे दोनों वो सो उनको फिर से रिकवर किया गया। फिर कांग्रेस और मुस्लिम पार्टी ये दोनों एक बड़ी पार्टी थी और 1916 में इन्हीं दोनों के बीच मतभेद को ख़त्म किया गया था, यानी जो समझौता हुआ था वो हुआ था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पे है। तो ये अभयारण्य है गुजरात में, ये हाल ही में खबरों में भी था गुजरात। तो इस तरीके से हमने देखे पूरे क्वेश्चन यूपी TET 2021 टू 2022 के, जिसमें 5 यूनिट्स थी, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी, चौथी, पांचवी। मैंने पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी के सॉल्यूशन सारे बताएं और ये ध्यान रखिएगा सारे सॉल्यूशन ऑथेंटिक है, आप अच्छे से इस पे 100% यकीन कर सकते हैं। बस एक क्वेश्चन को छोड़ के जो मैंने कहा था ना, भाषा जो होती हिंदी की उपभाषा, वो इंतज़ार करेंगे हम बोर्ड की आंसर की को, जब बोर्ड अपने आंसर की लॉन्च करेगा तब उससे हम आंसर चेक कर लेंगे कि क्वेश्चन का असल आंसर जो बोर्ड ने डिसाइड किया होगा वो क्या था, उसके हिसाब से जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए सभी सही हैं। तीसरी यूनिट इसलिए छोड़ दी क्योंकि इसमें 3 लैंग्वेज हैं, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। अगर कमेंट आते हैं अच्छे खासी तादाद में आते हैं तो मैं इन तीनों पर भी वीडियो, जैसा कमेंट में डिमांड होगी मैं बना लूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे से मार्क्स गए होंगे, यानी 150 में। जितने भी आपके क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।